यूपी में महिलाओं की सुरक्षा की दम भरवाने वाली यूपी पुलिस आज किस तरह लाचार दिखी कि मामला थाने में सुलझाने के बजाय थाने के मुख्य द्वार पर एक महिला की पिटाई देखती रही और पीड़ित महिला को पुलिस घसीटती नजर आई। बलिया के नगरा थाने के मुख्य द्वार की यह वीडियो यूपी पुलिस की साख पर बट्टा लगाने के साथ ही योगी सरकार में महिलाओं की दशा को बयां कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के चचिया गांव का है। लखनऊ की रहने वाली गुंजन से बलिया के नगरा थाने क्षेत्र के चचिया गांव के विमल सिंह ने शादी की और शादी के कुछ दिन बाद ही विमल गुंजन को छोड़कर भाग गया। जब पीड़ित गुंजन अपने पति का पता लगाते हुए बलिया पहुंची और अपने पति के गांव चचिया पहुंची, पर वहां से उसे निराशा ही मिली। थक हार कर गुंजन ने थाने पर शिकायत की। रसड़ा सीओ ने न्याय की उम्मीद जगाकर पुनर्वापस भेज दिया। आज थाने पर सीओ साहब ने मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया तो विमल के घर के लोग भी थाने पहुंचे तो गुंजन भी अपनी सहेली संग थाने पहुंच गई। ये आप कहाँ हैं आज? हम आज आए हैं बलिया नगरा बलिया थाना। तो आज आप लोगों के साथ कैसा मामला हुआ है, क्या प्रकरण? सर हम लोगों को न्याय नहीं मिला। हम लोगों को सर वहाँ 10 बजे यहाँ पर बुलाए थे, ठीक है। हम लोग रात भर स्टेशन पर बड़े रहे, वहाँ से जब 10 बजे हम लोगों को टाइम दिया तो 10 बजे जब हम यहाँ पे आए तो हम लोगों को इधर उधर घुमाते रहे। उसके बाद वो 3 बजे लड़के को हाजिर किए। सर सारे परिवार को बाहर निकाल के सीओ सर और लड़का और लड़की क्या बात की है हम लोगों को नहीं मालूम है। लड़की और लड़का आपस में 10 मिनट अकेले में बात करना चाहते थे, ना कि उनको समय नहीं दिया गया सर। और आपस में लड़के पे खुद दबाव बनाते रहे कि तुम चाहते क्या हो, अपनी मर्जी से हो, जो बात बुलवाना चाहते थे लड़के ने वही बात बोला। उसके बाद सर ये जाना समझा ये था कि सीओ ने दोनों पक्ष को एक साथ छोड़ दिए और एक पक्ष जब साथ में छोड़ दिया तो दोनों एक दूसरे पर हमला हो गया और सर उनके परिवार मिलकर लड़की वालों को बहुत मारा। गुंजन सिंह विमल से बाहर निकले ये नहीं पता क्यों गए, ये तो सीओ सर ने जो बोला है कि बाहर जाओ, ये दोनों उनके कहने पे ही गए हैं, पर ये नहीं पता क्या बात हुई है। जब ये लोग निकल रहे थे बाहर, विमल सिंह अपने भाई बाइक पे बैठ के जा रहे थे, तब तक गुंजन सिंह भाग गए। उसी में उनकी सपना सिंह, भोला सिंह, उनकी बुआ लोग सारे गिरा को सपना को मार गुंजन सिंह को मारा है, इसलिए हम हाथापाई में सबको। क्या आप मानती है कि सीओ की इसमें सीओ को नहीं एक साथ छोड़ना चाहिए? दोनों नहीं छोड़ना, पूरे जिम्मेदारी जिम्मेदारी झगड़े के पूरे जिम्मेदार सीओ सर, सारी जिम्मेदारी सीओ सर की है। आज क्या हो गया आप लोगों के साथ? आज क्या 4 दिन से हम लोग यही थाने के चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। पिछले दिन भी जो पिछली घटना है उसमें भी हाथापाई हुई है और कोई निर्णय नहीं हो पाया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बावजूद आज क्या हुआ था? आज हमें यहाँ बुलाया गया था थाना नगरा में कि आज हमें इसलिए बुलाया गया था कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हाजिर किया जाए विमल को, गुंजन सिंह को। हम लोग टाइम से वहाँ पहुँच गए, विमल सिंह नहीं आए, उनका परिवार आया। उसके इन दोनों को साथ में अंदर बैठाया गया, क्या बात हुई ये तो नहीं पता, पर इन दोनों के बाद सीओ ने लड़के पर दबाव किया और जो बात बोलनी चाहिए थी उसको विमल सिंह को दबाने लगे, वो मतलब सीओ सर ने बोला।